लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 नवंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। आरबीआई की सिफारिश पर लिया गया था फैसला, केंद्र ने नोटबंदी के निर्णय का सुप्रीम कोर्ट में किया बचाव। पीएम मोदी के साथ मिलने के बाद ब्रिटेन के पीएम ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा एक मजबूत दोस्ती। पलानी मंदिर की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट योजना सीएम स्टालिन ने की शुरुआत। जेल में कैदियों की फील्ड ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करें अधिकारी, दिल्ली हाईकोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना अब जरूरी नहीं। आवारा कुत्तों को सार्वजनिक तौर पर खाना खिलाने पर नहीं होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट। पीएम मोदी को G20 में राष्ट्रपति बाइडेन ने किया सलाम, एक दिन पहले ही गर्म जोशी से मिलाया था हाथ। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में पीएम मोदी ले सकते हैं हिस्सा, 19 नवंबर को होगा दौरा। मोरबी पुल हादसा, गुजरात हाईकोर्ट ने फिर से मोरबी नगर पालिका को फटकारा, 16 नवंबर की शाम तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, पीएम मोदी ने बताया विकास के लिए डाटा पर रहेगा भारत का जोर। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई। पेंशन के पैसों को लेकर केंद्र और राज्यों में टकराव, जल्द कोर्ट पहुंच सकता है मामला। कारगिल द्रास के जामिया मस्जिद में लगी भीषण आग, पहुंचा भारी नुकसान। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, पीएम बोले ये गर्व की बात है। और अब समाचार अंतर्राष्ट्रीय। मोदी और सुनक की मुलाकात के बाद ब्रिटेन ने जारी किया 3000 भारतीयों को वीजा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2024 में फिर लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने के बाद 7 राष्ट्रीय अध्यक्षों की आपात बैठक। पोलैंड में धमाके के पीछे रशियन मिसाइल शायद नहीं, आपात बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम से जेलेंस्की खुश, कहा रूस ने दागी दर्जनों मिसाइलें, निशाने पर सिर्फ 10 लगी। G20 शिखर सम्मेलन में इतर पीएम मोदी ने जो बाइडेन, ऋषि सुनक और इमैनुएल मैक्रो से बात की। जनवरी तक कम हो जाएगा H-1B वीजा का वेटिंग टाइम, यूएस तेजी से कर रहा काम, माइक हैंकी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में संदेश देना होगा, पीएम मोदी। आप समाचार खेल संबंधित। फीफा वर्ल्ड कप की फिसड्डी टीम को T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियंस से 6 गुना इनामी राशि मिलेगी। शरद कमल ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ITTF एथलीट आयोग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। चेन्नई में महिला फुटबॉलर की सर्जरी के बाद नहीं मिला इलाज, डॉक्टरों की लापरवाही से गई जान, परिजनों ने किया हंगामा। ATP फाइनल्स, कनाडा के फेलिक्स ने किया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर, राफेल नडाल को 6-3, 6-4 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की मेजबानी से नाराज हैं यूरोपीय देश, मौसम को लेकर है विवाद। समाचार बिजनेस संबंधित। शेयर बाजार ने की सपाट शुरुआत, निफ्टी 18,400 के करीब। भारतीय रुपया 34 पैसे की गिरावट के साथ 81.25 प्रति डॉलर पर बंद। SEBI शेयर ब्रोकरों के लिए साइबर सुरक्षा नियम लाने की कर रहा तैयारी। 21 लाख से अधिक पेंशनरों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का किया इस्तेमाल, केंद्र ने साझा की जानकारी। मीडिया स्वामित्व का केंद्रीयकरण खतरा, ट्राई प्रमुख बोले बचाव के लिए देंगे सुझाव। कॉस्मेटिक्स बाजार में दस्तक देगा टाटा ग्रुप, 2023 में 20 नए स्टोर खुलने की हो रही है तैयारी। RBI की उप समिति की बैठक में शामिल हुए गवर्नर, वैश्विक और घरेलू इकोनॉमी पर की गई चर्चा। सेंट्रल गवर्नमेंट, घाटे वाली इकाइयों को बंद करने के लिए दिवालिया कोर्ट में जाएं सरकारी कंपनियां। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।